सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो और सलाम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक विद सिंह पे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में आपको साइट लिस्ट देने वाला हूं, साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत से यूजर्स दोस्तों जिनको अभी भी प्रॉब्लम है कि भाई इसकी एनुअल फीस कितनी रहेगी, क्या इसके लिए आपको इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा नहीं दिखाना पड़ेगा, तो जितने भी आपकी क्वेरीज है साथ साथ कैसे आपने इसके लिए अप्लाई करना है वो आपको साइड डिटेल इस वीडियो में बता दी जाएगी। वीडियो के साथ दोस्तों एंड तक बने रहेगा और लाइक जरूर करोगे, अगर आप लाइक करोगे तो मोटिवेशन बनता रहेगा और आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। सबसे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड क्या है। देखिए दोस्तों आईसीआईसी बैंक ने अमेजोन के साथ टाइप करा, या फिर आप ये कह सकते हो कि अमेजोन ने आईसीआईसी बैंक के साथ टाइप करा और अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। पहले क्या था दोस्तों कि ये बहुत ही सिलेक्टेड यूजर्स को मिलता था, बट अब लगभग 99% लोगों को ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और अब मैं आपको बताने के दोस्तों इसके बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे दोस्तों अगर तो आपके पास प्राइम मेंबरशिप है तो दोस्तों आपको 5% इसमें कैशबैक मिलने वाला है, 5% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर आप प्राइम मेंबरशिप आपके पास नहीं है तो आपको 3% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं कोई भी नॉन ईएमआई ऑर्डर्स के ऊपर। और एक बात यहां पे और ऐड करने वाला हूं कि अगर आपने नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर यानी कि कोई भी इंटरेस्ट अगर आपने नहीं देना है तो 3 या 6 महीने तक आप जो टेन्योर चूज करिएगा, अगर आप 6 महीने से ज्यादा करते हो तो आपको चार्जेस लगेंगे। तो ये बात आपको वो नहीं बताएंगे, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि 6 महीने या 6 महीने से कम का टेन्योर चूज करिएगा अगर आपने नो कॉस्ट ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट लेना है, अवेल करनी है फैसिलिटी को। सेकंड दोस्तों यहाँ पे आपको 2% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बिल पेमेंट्स करते हो या कोई भी बिल पेमेंट्स करते हो, रिचार्जेस करते हो, तो इन सारों के ऊपर आपको 2% रिवॉर्ड पॉइंट्स साथ के साथ आपको मिलने वाले हैं। थर्ड दोस्तों आपको 2% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप मूवी टिकट्स बुक करते हो अमेजोन के ऊपर, क्योंकि अब आपको पता है कि आप अमेजोन पे मूवीज भी बुक कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स अमेजोन देता रहता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड, आपको 2% जो है फ्लैट मिलने वाला है रिवॉर्ड पॉइंट्स का। फोर दोस्तों आपको 2% रिवॉर्ड पॉइंट्स तब मिलेंगे जब आप कोई फ्लाइट बुकिंग्स या फिर आप बस बुकिंग्स करते हो amazon.in के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों ये तो खाली था amazon के अंदर अगर आप कुछ करते हो, बट अब अगर आप amazon से बाहर भी दो चीजें अगर आप करोगे तो उसमें भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको 2% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप मूवी टिकट्स के ऊपर फूड ऑर्डर्स करते हो जो कि अमेजोन पे के थ्रू एसेट रहेगा। सेकंड दोस्तों आपको 1% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप कोई भी नॉन ईएमआई परचेज करते हो, तो बहुत ही जबरदस्त यहां पे आपको बेनिफिट्स और फीचर्स मिल रहे हैं। दोस्तों चार्जेस की बात करो, सबसे बढ़िया बात इसकी है कि ना ही आपको इसमें कोई ज्वाइनिंग फीस देनी है और ना ही कोई एनुअल फीस देनी है। और अच्छी बात आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप इसको 31 जुलाई से पहले अप्लाई करते हो और आपको ये मिल जाता है तो आपको 400 रुपए का पे बैलेंस इंस्टेंटली मिलने वाला है आपके अमेजोन पे अकाउंट के ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया ऑफर ये आपको मिल रहा है इस टाइम जो कि 31 जुलाई तक वैलिड है। तो अगर आपने इस क्रेडिट को लेना है अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो और मैं आपको आगे भी बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है। दूसरी बात दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट की जो यहाँ पे वैल्यू मिलती है वो है 1 रुपए की। सेकंड दोस्तों जो भी आपको कैशबैक आएगा वो आपको इंस्टेंटली अमेजोन पे बैलेंस के अंदर आपको मिल जाएगा, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, रिचार्जेस कर सकते हो, बिल पेमेंट्स कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स हो गया, मूवीज के लिए देख सकते हो, ठीक है दोस्तों बहुत कुछ आप उससे कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलते रहेंगे। बट अगर आपने उसको सेल भी करना है तो मैं आपके अमेजोन पे बैलेंस को खरीद भी सकता हूं, वो आपके ऊपर आपने बेचना है या आपने यूज करना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने के लिए 35 सिटीज के अंदर अभी अवेलेबल है, तो अगर आप उन 35 सिटीज में अवेलेबल हो तो ही आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे अब इनकम प्रूफ की बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि भाई इसमें इनकम प्रूफ मांगे गए नहीं मांगे गए, तो देखिए दोस्तों इसकी दो बातें हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपका 600 से ऊपर सिविल स्कोर है तो 99% चांस है कि ये आपसे आपका इनकम प्रूफ नहीं मांगेंगे, खाली आपका आधार कार्ड और अगर आप इनको अपना पैन कार्ड दिखाओगे तो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बट दूसरी तरफ जिन लोगों का, जिन यूजर्स का 600 से कम सिविल स्कोर है, तो देखिए दोस्तों अगर वो अप्लाई करते हैं तो 99% चांसेस है कि उनको अपनी इनकम प्रूफ और सैलरी स्लिप्स इनको दिखानी पड़ेगी। तो मैंने यहां पे क्लियर कर दिया है कि भाई आपको इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा। तीसरी बात दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें यह है कि आपका सिविल स्कोर अगर 700 से ऊपर होता है तो 99% चांसेस है कि आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे जाना और ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपने लॉगिन करना है, मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपका एलिजिबिलिटी 60 सेकंड के अंदर पता लग जाएगा और आपको 400 रुपये का कैशबैक इंस्टेंटली एज अमेजोन पे बैलेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपने करना है कंप्लीट योर एप्लीकेशन। कंप्लीट योर एप्लीकेशन करने का दोस्तों मेक श्योर आपका आधार नंबर और आपका पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड डाल रहा हूँ,
आपने भी अपना आधार कार्ड डालना और पैन नंबर अपने पास आपने रखना है। मैंने यहाँ पे दोस्तों दोनों चीज़ें अपने सामने ही रखी हुई है, इस करके मैं साथ के साथ उसको कॉपी करी जा रहा हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है सेम टू सेम जैसे मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने कर देना है कंटिन्यू। अब दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आ रहा है योर एप्लीकेशन विल बी लिंक्ड विद मोबाइल नंबर 9988655 आफ्टर वेरीफाइंग ओटीपी। अब यहाँ पे हमने ओटीपी का वेट करना है, भी आएगा। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है और कर देना है कन्फर्म एंड प्रोसीड। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड आप क्लिक करोगे, अब ये वेरीफाइंग हो रहा है और जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल्स आपकी पूछेगा। तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल देनी है, मैं जैसे यहाँ पे डाल रहा हूँ। आपने भी दोस्तों सेम टू सेम अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर जो आपकी ईमेल आईडी वर्किंग है, मेक श्योर आप वही ईमेल आईडी को डालिएगा। और यहाँ पे आपने डालना है अपनी मदर्स का नेम, तो मैं अपनी मदर्स नेम डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आपने फैमिली की प्रेफरेंस डिटेल्स कोई भी डाल देनी है, तो मैं यहाँ पे अपनी डाल रहा हूँ। और आपने कर देना है कॉन्टिन्यू। तो आप यहाँ पे आपने अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि आप क्या करते हो। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। एड्रेस डाल देना आपने यहाँ पे अपना, और लैंडमार्क डाल दीजिएगा। मैं भी यहाँ पे सब आपने साइट सेम टू सेम, मतलब जहाँ पे आप रहते हो उसको देखकर आपने डाल लिया। अब कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने कहना कि आपने कौन सा कार्ड आपके घर आना चाहिए, मतलब कि एड्रेस पे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन एड्रेस पे मेरा कार्ड जो आ जाना चाहिए। तो प्लीज़ वेट, यहाँ पे ऑप्शन आएगा। और ये देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द अमेज़न पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। तो अब इन्होंने मुझे बता दिया कि भाई मैं क्या एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। तो अब यहाँ पे शो कर दे कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो इसके लिए मुझे 6 महीने वेट करना पड़ेगा और फिर मुझे पता लगेगा कि भाई क्या मेरी एलिजिबिलिटी पूरी होती है या नहीं होती है। तो ऐसे आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करके खुद अपना देख सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात, यहाँ पे एक और बात बोलने वाले हो कि जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हो तो आपने जाना होता है कि भाई हमारा प्रोसेस क्या चल रहा है। तो उसके लिए भी बहुत आसान है, आपने कस्टमर केयर नंबर पे जो है 1800102 0123 पे कॉल करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और आपको बता दिया जाएगा कि भी आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको लगभग जितनी बातें क्लियर करने वाली थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो यूजर्स को प्रॉब्लम आती है, क्वेरीज होती है, यहाँ पे सॉल्व कर दिए। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए जरूर दोस्तों इसको लाइक करेगा, और पसंद आए तो शेयर करेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो किसी भी चीज को लेकर दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ऐसी दोस्तों आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा, बट या लाइक देते रहेगा ताकि मोटिवेशन बनता रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।